अगर आप चाहते हैं कि आपके पपी को पार्वो वायरस कभी ना हो, क्योंकि ये बहुत ही डेडली डिजीज़ है, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान दीजिए। नंबर वन, जैसे ही आपके पपी की एज 42 to 45 डेज हो जाए, इमिडिएटली उसका वैक्सीनेशन शुरू कर दीजिए। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, और इसको 3 बार लगाना है, याद रखिएगा 3 बार बहुत ज़रूरी है। अगर बूस्टर नहीं लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, जैसे कि इस डॉग को हुआ। ये पपी जो है, एक बार वैक्सीन लगी थी, दोबारा बूस्टर नहीं लगा, इस कारण से इसको इन्फेक्शन हो गया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि टाइमली आप वैक्सीनेशन कराएंगे। जो पपी इन्फेक्टेड रहेगा उसको हेल्दी पपी से अलग रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और घर में जो भी आप जूते चप्पल पहन के बाहर से घर पे आते हैं, इसको अपने पेट से दूर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। और अपने डॉग को जो है 6 महीने तक आप रेगुलर मंथली ब्लड चेकअप कराइए, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले डायग्नोज हो जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए। 3 बातों का अगर ध्यान रखोगे आप, तो आपके डॉग को पार्वो नहीं होगा, आई गारंटी। तो काइंडली प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू।